तो अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही डिफाइंड है, और इस बात से कह सकते हो कि इट इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हमेशा सिस्टम की एनर्जी रहेगी। तो जब भी दो चीजें आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है और वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो जब आप उन दो चीजों के पोजीशन को चेंज करोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क होगा और वही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रखा होगा। तो हम यहाँ पर इसके जो है ज्यादा डेरिवेशन या इस पार्ट में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, किस तरीके से क्या रहेगा। आपको जो मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है पे हम यहाँ पे बात करेंगे, तो चीजें आपको ध्यान रखनी है उसकी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि अगर आपसे कहा जाता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमेशा माइनस ऑफ डीयू के बराबर होगा। क्योंकि देखो क्या है कि कोई भी सिस्टम जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रखी है, उसी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। अब अगर सिस्टम कुछ पॉजिटिव वर्क करता है, सिस्टम अगर कुछ पॉजिटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। सिस्टम वर्क, सिस्टम का वर्क करने का मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है, सिस्टम जब वर्क करेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वजह से जो वर्क है उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको बात करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू आ जाएगा एक तरीके से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल। तो ये साफ अपने को दिख रहा है, अगर सिस्टम या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है अपनी नेगेटिव होगी, और अगर सिस्टम नेगेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी पॉजिटिव होगी। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक को ऊपर उठा के ले जाता हूँ कुछ एच हाइट तक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का mgh। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो डेल्टा यू जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये आएगा माइनस ऑफ माइनस mgh। जैसा कि आपने देखा कि ग्रेविटी ने अगर नेगेटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपनी क्या हुई, बड़ी। और इसी प्रकार अगर ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करती, मतलब इस ब्लॉक को अगर मैं नीचे लेके आता, तो यहाँ पर क्या होती, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती। तो जितना वर्क कंजर्वेटिव फोर्स फील करेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, नेगेटिव साइन, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए